जिथे पूरे देश भर दे विच किसानी संघर्ष पिछले 43 दिनों तो जोरां शोरां दे नाल दिल्ली सरहदां ते चल रहा है। अते अन्नदाता किसान अपने हक्कां दी राखी दे लई राजधानी दीआं सड़कां ते डटिया होया है। जिस दे चलदिआं अज साबका फौजी अफसरां ने किसान अंदोलन की हिमायत की है। उन्हां कहा कि पूरे देश भर दे किसानां दे वल ध्यान देना चाहीदा है। उन्हां केंद्र दी मोदी सरकार नूं अपील की कि इन्नी ठंड दे विच किसानां दे सबर दा इम्तिहान नहीं लेना चाहीदा। चलो जी, मैं कर्नल बलराज सिंह पुमन आर्मी जो कर्नल रिटायर होया 94 च, उस तो बाद आके मैं अपने पिंड दे विच खेती दे नाल जुड़िया होया हाँ। मैं पिछले तकरीबन 20 साल तो इंडियन एक्सर्समैन लीग का डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर का प्रधान भी रहा, तो सोशल कमां दे विच भी मैं तकरीबन हिस्सा लैंदा रहा। नैशनल लैवल पर इंडियन एक्सर्समैन लीग का न्यू दिल्ली का वाइस प्रैजिडेंट भी 5 साल रहा। मैं उदों दा आके अपनी खेती दे नाल जुड़िया होया, तो जिहड़ा किसान मोर्चा चल रहा है ये वेख के असीं बड़े दुखी हुंदे आ कि किसान साडे वीर पिछले तकरीबन 40-45 दिन तो दिल्ली बैठे ने, सड़कां ते बैठे रोल रहे ने, इन्हां एडवर्स कंडीशन दे विच वैदर दे विच, ते सरकार उन्हां दीआं मंगां नहीं मान रही। इहदीआं मेन मंगां इह ने कि जो उन्हां नूं खदशे सीगे कि पहला कि जिहड़ीआं जिहड़े मेन जिहड़े उन्हां दे पॉइंट सी कि एक तां भई उन्हां दा जिहड़ा उन्हां दे दिल च वहम हो गया कि या उन्हां दा वहम बिल्कुल सही है कि उन्हां दीआं जमीनां जिहड़ीआं ने उह कारपोरेट घराणियां वालिआं ने लै लैणियां, और मैं जिथों तक अंदाज़ा लाउंदा वी बिल्कुल सही भी है क्योंकि जिहड़े उन्हां ने कानून बनाए ने उहदे विच उन्हां ने SDM नूं पावर दित्तीआं ने कि जो कोई भी किसानां और जिहड़ा जमीन उन्हां दे कारपोरेट घराणियां वाले लैंदे उन्हां दे विच कोई वाद विवाद पैदा हुंदा तो SDM तक जाणगे, तो मैक्सीमम वो डिप्टी कमिश्नर तक जा सकते हैं, और जिहड़ा भी उहदा कोई फैसला हुंदा वो रेवन्यू के मुताबिक किया जाएगा। जिहड़ा भी उन्हां दा कोई लॉस हो गया, रेवन्यू एक्ट का यह मतलब है कि वह जमीन उन्हां दी कुरक हो सकती है। लुधियाना तो जतिंदर पाल छाबड़ा की रिपोर्ट, चढ़दी कला, टाइम TV।